ए संगत करो निर्मल संतरी मारी हेली संगत करो निर्मल संतरी मारी हेली आवा कमनी मिट जाए रे जन्म मरण छूट जाए ए आवा कमनी मिट जाए रे जन्म मरण छूट जाए हो बोल चार भुजा नाथ की बोल एक लिंग नाथ की देखो चंदन उग्यो हरिये बाग में और खुशी भई बन रहा है बांस उग्यो डर डूंग रहे थरक रही बन रहा है एक जंगल रे मायने जब चंदन वृक्ष उग्यो तो सारा जीव जंतु बड़ा खुश हुआ बताइया बाटी अपने फल देला फूल देला पत्ता देला साथ साथ आपरी छाया रे मायने बिठा सदियों तक दिव्य सुगंध देला बड़ा खुश हुआ जीव पर उन्हीं जंगल रे मायने जब दूसरे दिन बांस और लकड़ो उग्यो तो सारा दुखी हो गया नुगरो एक दिन खुद बढ़ेला अपने भी बढ़ेला आग लगी डावे ढूंगरे मिल गई झाड़ो झाड़ और तो पंखेरू सब उड़ गया रे कंसलो बैठो डा जिन चीज रो डर तो वही हो और उन बांस रे कारण जंगल में लागी आग लगी डावे ढूंगरे आग लगी डावे I'm
जंगल में जब आग लगी तो हर जीव अपनी जान बचाने की सोची, जो चल सक्यो वो चल गयो, जो दौड़ सक्यो वो दौड़ गयो, जो उड़ सक्यो वो उड़ गयो, जो रेंग सक्यो वो रेंग गयो, हर जीव मौत सू आग सू जंगल सू भागन नहीं सोची। पर इन सब बातों सू बिना डरे एक हंसलो आग ने लपटो ने चीर तो आर चंदन नी डाले सू लिपट गयो। चंदन हंस सू मुख बोलियो कि भाई थे क्यों बड़ो हंसराज, मैं तो जड़ा बिन पाखिया मारी जड़ा है पताड़ा रे माई दोस्त, मैं तो मजबूर हूँ जा को नहीं सकूं, मारी जड़ा बड़ी पताला में गहरी है इन कारण आग में बल रहे हूँ, पर दोस्त ने तो पंख दिया है हंसला इन पंखों रो उपयोग कर इन मौत और आग से बच जा भाग दोस्त, मैं तो बच नहीं सकता तेरे साथ जा नहीं सकता पर तू तो जान बचा। बार बार वो चंदन हंस निवेदन करो तो हंस री आंख और मैंने आंसू टपक पड़ो और चंदन नी डाली सु लिपटो लिपटो रोतो रोतो बोलो कि चंदन बोली बार करे रे तू, तू मारो दोस्त है मारो यार मारो मित्र मारो सखा मारो भाई सब कुछ है तू, फल खाया पान पिलो बया रम्यो डालो डाल और थे तो जड़ो और मैं क्यों उबरा जीणो कितना साल दोस्त, मैं थारा फल खाया थारा पत्ता खाया थारी छाया रे मैंने बैठ डाली डाली थारी सुगंध ली बचपन सु जवानी तक पहुंचो, और आज तू कह रही है कि इन मौत और आग सु डर अपन दोस्ती ने छोड़ भाग जाओ, आज जीवनो मरणो अपारे साथ में वेला कहो, फल खाया पिलो लिया चंदन, अरे फल खाया पान पिलो भाई मैं खेलो डालो डाल रे खेलो डालो डाल, इथे तो बड़ो मैं क्यों हो चुके हैं कुछ भजन अभी है बाकी बौछार एक पड़ी है बरसातें अभी है बाकी मिलके नाचने को देखा मन का मयूरा है मिलके नाचने को देखा मन का मयूरा है भजन अभी आधा अधूरा है भजन अभी आधा अधूरा है आधा अधूरा अधूरा है। भगवान बड़ा दयालु है, इंसान के लिए भगवान महत्व रखता है, शायद जीव कम रखते हो पर भगवान के लिए जीवों और इंसानों में कोई अंतर नहीं, वो उनकी भी पुकार सुनता है और हमारी भी सुनता है। हमारे शास्त्र और विज्ञान के हिसाब से बता दूं तो हमारी धरती इतनी छोटी है, इस पूरे ब्रह्मांड के मुकाबले धरती पर पड़े हुए एक रेत के दाने से भी ये छोटी है धरती, इतना बड़ा ब्रह्मांड, फिर भी उससे ऊपर बैठा हमारा भगवान हमारी छोटी सी तकलीफ देखकर भागा हुआ आता है। भगवान हमेशा आपके जब आप जब बहुत ज्यादा दुखी होंगे तो ही भगवान आएंगे, आपके सुख से भगवान को कोई मतलब नहीं, आप सुखी हो आनंद लो, पर सुख में अगर भगवान का स्मरण कर रहे हो तो भगवान आपकी जरूर सुनता है।
जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ और भगवान कृष्ण जब द्वारिका के लिए जाने लगे, अजू भाई, तो कुंती जी ने भगवान को प्रणाम किया। हालांकि वो उनकी बुआ थी, बड़े थे, माता समान थी, फिर भी उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि भगवान एक वर चाहिए आपसे। भगवान कृष्ण ने कहा, मांगो, मैं तो आपके पुत्र समान हूं, आपको क्या दे सकता हूं, फिर भी आप जो इच्छा रूपी मांगो। तब कुंती जी ने कहा कि मुझे भगवान दुख दीजिए। भगवान ने कहा, सब लोग मुझसे सुख और आनंद मांगने आते हैं और तुम मुझसे दुख मांग रही हो, कारण बताओ। तब कुंती ने जवाब देते हुए कहा कि हे कृष्ण, मेरे सुख का मुझे स्मरण नहीं, पर मुझे ज्ञात है जब जब मुझे दुख हुआ है, सबसे पहले बंछी वाले मैंने तुझे देखा है। मेरे दुखों में तू भागता हुआ मेरे पास आया, तूने पूछा नहीं कि मुझे आना है कि नहीं आना है, मेरे दुख देखकर तू हमेशा दौड़ा आया है। इसलिए भगवान मुझे दुख दे ताकि तू हमेशा मेरे पास खड़ा रहे। मैं मेरे जीवन का भी अनुभव कहता हूँ, जब भी दुखी रहता हूँ उस समय भगवान का स्मरण बड़ा अच्छे से कर लेता हूँ, और जब जब खुशी आती है मन में तब तक भगवान दूर होते जाते हैं। अगर आपको भी भगवान और खुशी में दोनों में अगर कुछ एक चीज चाहिए तो माध्यम दुख है। आप कभी भी अपने जीवन में कल्पना कर लेना, याद कर लेना, जब आप दुखी होंगे उस समय ही भगवान का सबसे अधिक स्मरण करेंगे। सुख में भगवान को कोई नहीं कर पाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उन दिन उन जंगल रे मायने चंदन और हंस आपस रे मायने प्रेम रे वास्ते मरने वास्ते तैयार हो गया। भगवान दो ही चीजों पर आए, या तो तुम्हारा संकट देखकर या तुम्हारा प्रेम देखकर। बोले प्रेम वत्सल भगवान की, मित्र वत्सल भगवान की। भगवान को बड़ी दया आई, देखो लोग मर रहा है, मार रहा है और आपस में एक दूसरे रे वास्ते मर रहा है। चंदन हंस रो प्रेम देखने रे, चंदन हंस रो प्रेम देखने रे, पथ दूदा परिश्यों में रे, दूदा परिश्यों में। कहती कबीरा धर्मी दास ने हेली, कहती कबीरा धर्मी दास ने मारी।
अभी थोड़ी देर पहले चंदन शाह ने कहा ना, संख्या कोई महत्व महत्व नहीं रखती, क्वांटिटी क्या करना है, क्वालिटी में मतलब होना चाहिए। यहाँ क्वालिटी बैठी है और आप लोग आनंद ले रहे हो, ये सबसे अच्छी बात। रात्रि के 3 बजने को आए और आप हमें छोड़ नहीं रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की, पर भजनों पर धरती पर अमर दो ही लोग हुए, पहला जिसने भजन किया, भजन सुना, भजनों में बैठा, भजनों पे ध्यान दिया, और दूसरा वीर जिन्होंने सर कटाए, बलिदान दिए। दो लोग ही धरती पर अमर हुए, बाकी कितने करोड़पति आए, कितने दानी आए, सब गए। आप सत्संग में बैठे हो, आप लोगों ने खूब आनंद लिया, पर अब जो मारे हाथे राम रे घर हाल लो चावे, वो थोड़ा सो ताली सो साथ दे दे। राम का घर मृत्यु नहीं है, राम हमारे हृदय में। सुरता हो जा, सुरता हो जा, ये सुरता हो जाओ भजन वाली लाई, बतावा सने राम नगरे। थारी ऐप सुभरी, आकाया थारी ऐप सुभरी।